कोशिश करेंगे हम संपर्क करें। और सरकार के दो दो मंत्री पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौके पर पहुंच चुके हैं, और उसके अलावा अगर बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौके पर पहुंचे, और आग जो है विकराल रूप ले चुकी, फिर से एक बार भड़की हुई आग नजर आई है, उसको फिर से कंट्रोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है, उसके अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा करके उनको अपडेट दिया है। यहाँ पर मौके पर सरकार के दो दो मंत्री पहुंचे हैं, आग की भीषणता को देखते हुए, क्योंकि आग को पिछले 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आग अभी तक काबू में नहीं हुई है। उसके बाद मौके पर यहाँ पर दो मंत्री पहुंचे हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, उसके अलावा विश्वास सारंग हैं, हमने उनसे बात की, चर्चा की, उन्होंने बताया कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आग की हर चीज पर, हर वस्तु स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जो है मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा, हालांकि मौके पर मौजूद हैं और हर चीज का जायजा ले रहे हैं, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने रिपोर्ट की है कि वो सीएम हाउस से आए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की, बातचीत की। और देख सकते हैं आप ये लाइव तस्वीरें हैं, साथ में आप देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विकास सारंगी सर लगातार नजर बनाई हुई, बिल्कुल आप देख सकते हैं मंत्री जा रहे हैं, साथ में दोनों ही जो है मंत्री सरकार के लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। अब यहाँ से हर चीज का जायजा लेने के बाद है जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी रवाना हो रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्री विकास सारंगी मौके मौजूद है सर, पूरी जानकारी ले ली थी। देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया था, पूरा प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है, चॉपर आ रहा है, और उससे पहले हमारे जो लोकल साधन संसाधन है उसका भी पूरा उपयोग करके प्रयास कर रहे हैं कि आग पूरी तरह बुझ जाए। सर लगातार मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी नजर बनाए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हीं ने हमें भेजा है, और हमें ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण हम पा लें। सर आपने पूरा जायजा लिया, निरीक्षण किया हर जगह? हाँ जी, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आग बुझे। तो देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा रवाना हो चुके हैं, भोपाल मेयर भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, मैम लगातार नजर बनाई रखे हैं। निश्चित ही आग बुझाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है, जैसे भी सहयोग लेते बन रहा है कि आग पर कंट्रोल हो सके, प्रयास होगा कि फायर स्प्रे की भी जांच होगी, बिल्कुल वो सब बात की बात है, अभी तो ये है एक की आग पर कंट्रोल पाले। फायर ऑडिट की बात भी कह रहे हैं, हालांकि उसके बाद इनके जांच का पूरा हवाला दिया जा रहा है, मगर फिलहाल पहले प्राथमिकता यही है कि आग को कैसे काबू में लाया जाए। देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, लगातार दमकल की गाड़ियां आसपास के जिलों से बुलाई गई हैं, भोपाल नगर निगम की गाड़ियां भी लगातार पहुंचती जा रही हैं, ये सिलसिला जारी है 2:30 बजे से, उसके बाद अभी तक ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर बात करें तो अभी भी आग भड़की हुई है, हम देख रहे हैं कि तमाम प्रयास प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार चल रहे हैं, आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा, क्योंकि इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास भी निरंतर